पूरा जगह इधर के पल्ली तरफ कितना होगा ना, बहुत ज़्यादा। तो शहर में तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे गांव में तो बहुत नॉर्मल है ऐसा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कटिंग कराने के लिए गाइस, मैं और मेरा दोस्त गाइस, तो दोनों हैं और आज हम जा रहे हैं अपनी कटिंग कराने के लिए गाइस। तो ये अपनी थोड़ी बहुत दाढ़ी सेट कराएगा ये, और मैं कराऊंगा थोड़ी बहुत ये साइड और ये साइड, और मैं ऐसा नहीं कि पूरे साइड से हल्के लगा दूँ गाइस। गर्मी तो लगती है गाइस, लेकिन गाइस मेरा मन नहीं करता कि मैं साइड के मतलब सारे हल्के करा दूँ, फिर ना मैं बहुत रद्दी लगता हूँ, एकदम बेकार लगता हूँ गाइस, कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो इस वजह से मैं थोड़ा साइड से इधर से उधर से सेट कराऊंगा ज़्यादा, और कुछ नहीं कराऊंगा गाइस। तो गाइस अभी पड़ रही है दोपहर ही बहुत ज़्यादा गाइस, और हमें ना शाम को अलीगढ़ जाना है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी से कटिंग कराने जा रहे हैं। वैसे तो हमारा मन नहीं था, लेकिन अर्जेंट में कटिंग कराने के लिए जा रहे हैं गाइस। तो हमारे पास हमारी बाइक गाइस, ये की हमारी बाइक, आप देख ही सकते हो गाइस, और ये बोरा है गाइस, क्योंकि ना आगे बचता है हमारा राशन गाइस, तो गाइस आगे वाले गाँव में से हम राशन भी ले लेंगे, इस वजह से हम दोनों काम आज कर देंगे गाइस। तो ये है मेरा दोस्त जो कि गाइस ये भी चल रहा है मेरे साथ, और मैं भी जा रहा हूँ गाइस। तो फटाफट से पहुँचते हैं और कटिंग कराते हैं, क्योंकि ना फिर थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे ना, तो नोगी गाँव में काफ़ी भीड़ हो जाएगी गाइस। सो गाइस देख सकते हो कि हम पहुँच गए हैं दुकान पर कटिंग कराने के लिए गाइस। तो गाइस अभी ना और जो अभी मुझसे पहले ना और लोग आए थे पाँच छः गाइस, तो उनकी कटिंग हो रही है, आप देख ही सकते हो। तो गाइस मैं वैसे ही कभी कभार मुझे सामने का शीशा मिलता है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, तो मैं ना अपने आईफोन दिखा रहा हूँ सभी को, और ख़ुद भी देख रहा हूँ गाइस, तो अपने बाल बाल देख रहा हूँ कि आज मतलब कितने हल्के करवाऊँ कितने नहीं कटवाऊँ, ये चेक कर रहा हूँ। तो अभी हो रही है इन भैया की कटिंग, और जो मेरे साथ लगा है वो है गाइस ये वाला, और इनके बाद आएगा मेरा नंबर गाइस। तो मैं इन पर करवाऊँगा, इनका भैया बस दो ही पे करवाऊँगा, तीसरा जगह रहता ना उस पर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ना वो करता बहुत ज़्यादा बेकार कटिंग, तो इस वजह से मैं बस दो आदमी पर ही कराऊँगा इस। तो आप दुकान देख सकते हो कितनी बड़ी दुकान है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल अपनी हिसाब से खूब बढ़िया है गाइस। तो मैंने अपने इस पर जो मेरे साथ का लड़का है ना, मैंने सोचा मैं मेरे पास ये भी ना कटिंग करता है गाइस, तो इसका भी एक यूट्यूब चैनल है गाइस, यूट्यूब चैनल का नाम है देश दीपक, तो इसको भी ना मैं लिंक दे दूंगा, इसको भी थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लेना गाइस। तो गाइस ये ना थोड़ा बहुत ये भी कटिंग कर लेता है, इसकी घर पे दुकान है गाइस, तो मैं कह रहा हूँ इससे चल मेरे बाहर सेट कर दे सारे इधर से उधर से, जो कि मेरे को दिक्कत ना आए कटिंग कराने में। तो गाइस ये सेट कर रहा है, तो गाइस ये बिल्कुल ऐसे ही सेट कर रहा हूँ, मतलब कितना पहले से कटिंग करता है गाइस। और अभी गाइस इतनी देर में मेरा भी नंबर आ गया कटिंग के लिए गाइस, तो मैं जो मेरे फेवरेट है लड़का ये वाला लड़का गाइस, इसी पे मैं कटिंग कराता हूँ। तो मेरे साथ वाला दोस्त है ना, वो मेरी वीडियो क्लिक कर रहा है और ये कटिंग कर रहा है गाइस। तो गाइस आपको दिख रहे कितने बड़े बड़े बाल हैं गाइस, तो इन्होंने मैंने बोला है कि मैं नॉर्मल बाल काटना, ज़्यादा काटना नहीं, वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं। तो ये काट रहे हैं मेरे बालों को गाइस, और मेरे साथ है वो लड़का शूट कर रहा है वीडियो गाइस। हाँ रख दो गाइस, ये जो ये लड़का दिख रहा है जो मेरे पीछे जस्ट, तो गाइस यही कह रहा था मैं तुम्हारे बाल काटूंगा, तो मैंने सोचा ना भाई ना मुझे नहीं कटवाना तुझ पर, क्योंकि ना ये बहुत बेकार काटता गाइस, और अभी ये सीख रहा है गाइस, तो वैसे ये मेरी बात तो बेकार कर ही देता, तो मैंने इससे मना कर दिया साफ साफ। तो वैसे ये कहने लगा कि अरे यार तुम हर बार आते हो ऐसे ही करते हो, कभी इन दोनों पर बार कटवाते हो मुझ पर नहीं कटवाते। तो मैंने कहा भाई मेरी मर्जी, पैसे देता हूँ मेरा मन करेगा उस पर कटवाऊंगा गाइस। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं तू मेरे पे कटवा गाइस। तो गाइस मैं ना जब से कटिंग स्टार्ट कराना किया ना गाइस, तो मैं पहले जब इनकी दुकान नहीं देखी थी ना, जब से मैं दूसरी दुकान, बस थोड़ी सी कटिंग और रह रही है गाइस, वो भी हमारी थोड़ी देर में हो जाएगी पूरी कटिंग गाइस। सो गाइस देखो मैं ना बाजार से कटिंग करा के लेकर रही था, तो मैंने सोचा क्यों ना दो गिलास ले लें जूस गाइस, जो ये कह रहा था मेरे को पीना है गाइस और मुझे भी पीना है गाइस, तो हमने दो गिलास लिया जूस गाइस, ये देख सकते हो इसका क्या नाम है, हाँ मैंगो शेक लिया गाइस हमने। तो गाइस ये अच्छा लगता है काफ़ी, और हमारे 10 रुपये का काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, आपके यहाँ का पता नहीं कितना मिलता कितना नहीं गाइस। तो गाइस ये भैया बहुत अच्छे पढ़ाने वाले, ये ना हमें आते ही ना राम राम करते हैं कुछ भी करें गाइस। तो गाइस ये वो भैया गाइस, तो इस मैंने बोला कि वीडियो ले लूँ उनके ले ले गाइस। अब हम यहाँ से निकलते हैं इस घर के लिए, क्योंकि ना हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा यहाँ से निकलने में गाइस। तो गाइस हमारा दोस्त है गाड़ी चला रहा है और हम कर रहे हैं वीडियो शूट गाइस। तो गाइस हम अपनी मार्केट दिखाते हैं गाइस। तो गाइस मैंने बोला तो हमारी मार्केट ज़्यादा बड़ी तो नहीं, नॉर्मल बड़ी है गाइस, तो ये छोटे मोटे काम तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं, नहीं तो अगर बड़ा काम करें तो यानी हम जाते हैं या तो अलीगढ़ या तो फिर अपने हाथरस गाइस, जो हमारा जिला है गाइस, और अलीगढ़ हमारा मंडल है गाइस, तो यहाँ पे बस नॉर्मल काम ही करते हैं गाइस। तो गाइस मेरा दोस्त बहुत तेज गाड़ी चलाता है, तो मैं आगे चल के ना इस पैसे गाड़ी ले ही लूँगा, अभी इसको दे दी थोड़ी दूर के लिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे ना मैं सभी को जानता हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ गाइस, तो मुझे लगता है इस पैसे गाड़ी अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी तेज गाड़ी चला रहा है गाइस, मुझे तो डक डक सा लग रहा है कहीं ये मुझे गिरना थे कहीं पर गाइस। तो वैसे चलाने दो, अब मैं क्या कह सकता हूँ उससे, कुछ नहीं कह सकता, अब चला रहा तो चला ही रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत देर में ना मैं इस वैसे अपनी बाइक ले ही लूँगा गाइस। तो चलो देखते हैं कहाँ तक चलाता है तेज तेज गाइस। सो गाइस फाइनली कटिंग करा के और अपना कोटा लेके हम आ गए गाइस वापस,
अपने बाग पे गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो ये भी और मैं भी गाइस और हमारा बोरी में आप कोटा भी देख सकते हो गाइस। तो गाइस बहुत ज़्यादा दोपहर ही पड़ रही है अभी बहुत ज़्यादा गाइस। तो ये गाइस ना हमने थोड़ी देर बाग पर रुक गए हैं छाव में गाइस, क्योंकि ना अभी हम कटिंग करा के आए थे तो कोटा लेके आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी गाइस। 10-5 मिनट बैठ गए तब चलेंगे हम घर के लिए गाइस। सो गाइस यहाँ तो एकदम रेडी हो गए हम बढ़िया तरह से गाइस और आप मेरे कटिंग वगैरह देख सकते हो, मतलब नॉर्मल सही है कटिंग, जैसी की है ना उसने वैसी बढ़िया लग रही है गाइस मेरे को अच्छी तरह से गाइस। तो इस अभी मैं नहाया था, थोड़ी जल्दी नहा लिया क्योंकि ना आज पुए वगैरह कहीं पता नहीं रोज ना पुए मिल जाते हैं कभी कहीं कहीं भी कहीं, तो इस वजह से मैं आज जल्दी नहा लिया, पता नहीं कहीं पर कहीं पुआ मिल गया ना गाइस तो फिर खा तो लूँगा जल्दी से फटाफट से। तो उस पुए का वेट कर रहा हूँ, पुए कहाँ पर मिले कहाँ पर नहीं गाइस, अगर मिलते हैं तो मिलते हैं पुआ नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा बाग पर गाइस। तो अभी ना मैं थोड़ी बहुत देर वेट करूँगा यहीं पर, देखता हूँ पुए वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते। सो गाइस मैं बता दूँ पुए का वेट करते करते हमें तो पुए मिले ही नहीं गाइस। तो ऐसे हम इतनी जल्दी नहा लिए थे कि पुए मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आज पुए कहीं पे है ही नहीं थे गाइस। तो गाइस फिर ना हमने जो कपड़े पहन लिए थे तो गाइस हमने ना व्हाइट शर्ट पहन ली थी गाइस और काला पैंट पहन लिया था, तो हमने गाइस वो उतार के रख के आ गए थे और ये हमने मशीन में जल्दी कटिंग करवा के ना जल्दी जल्दी सुखा ली थी, तो उसके बाद तुरंत हमने यही पहन ली गाइस क्योंकि ना ये नॉर्मल हल्की सी है तो ये मुझे अच्छी लगती है गाइस। और जो कपड़े हैं ना गाइस वो मोटे मोटे कपड़े हैं गाइस, मुझे एक आध दिन में ना कपड़े और लाने पड़ेंगे जिससे कि गर्मी ना लगे गाइस। लेकिन पोपट हो गया गाइस आज, मैं सोच रहा था पुए मिलेंगे मिलेंगे तो इतनी जल्दी नहा लिया था और इतनी जल्दी भाड़ डोल लिया गया और सब जगह पता भी कर लिया कहीं पुए हैं हैं, तो सब ने मना कर दिया आज कहीं पुए नहीं कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मैंने कि अब क्या है, फिर मैंने कपड़े उतार दिए अपने और कपड़े उतार के मैंने सोचा बाग पर चल रहे हैं लाइटिंग वगैरह करके आराम से आ जाएंगे गाइस। तो फिर हम आ गए थे बाग पे गाइस, तो बाग पे भी ना एक भी लड़का नहीं गाइस। वैसे ना शाम के टाइम ना मुझे ना कोई लड़का मिल ही जाता था बाग पे, लेकिन अभी तो कोई भी बच्चा है ही नहीं बाग पे, पता नहीं कहाँ है गाइस। तो गाइस मुझे ना अभी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं यार अभी ना टेम्परेचर ना 40-45 जा रहा गाइस और यार इतना टेम्परेचर जा रहा ना गाइस। तो गाइस हम तो गाँव वाले हैं गाइस, तो हमारे यहाँ तो पेड़ फेड़ भी हैं तो हम तो गर्मी वगैरह सब कुछ झेल लेते हैं गाइस, लेकिन जो शहर वाले हैं गाइस उनका सोच सकते हो वो क्या झेलेंगे क्या नहीं गाइस। तो गाइस मुझे नहीं लगता शहर वालों को क्या हाल होगा, लेकिन हमारा तो बढ़िया है, हम तो साफ सुबह शाम बाग पे आ जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा नीचे हो जाता है। लेकिन गाइस हमें ना फ्यूचर में पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि ना पेड़ों से बहुत बड़ा लाभ होता है गाइस। मैं तो अपने बाग के पास हूँ और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो कि इधर से सूरज है गाइस हमारे सामने जस्ट, और इधर की तरफ से दिखा सकते हैं हम अपना बाग गाइस, और बाग आप देख ही सकते हो कितने सारे पेड़ हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे ना यहाँ पे पूरा होगा, यहाँ पे होगा 30-30 टेम्परेचर यानी 30 डिग्री टेम्परेचर होगा गाइस। लेकिन और शहर वालों में इधर की साइड सूरज है, इधर के पल्ली तरफ कितना होगा ना बहुत ज़्यादा, तो शहर में तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन हमारे गाँव में तो बहुत नॉर्मल है गाइस। आप देख ही सकते हो चारों तरफ घुमा घुमा के कैमरा, चारों तरफ देख लो हमारे गांव में तो कम है गाइस, और हमें अभी बाग में गाइस बाग में तो वैसे भी कम होता है गाइस। तो ये सामने ना सूरज है और वहाँ पर चरी है गाइस, तो इस अगर चरी में थोड़ी देर बैठ लिया ना तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा ना आपको मैं बता नहीं सकता गाइस। तो गाइस यार मैं ना पुआ पुआ तो मार ही गए गाइस, और वैसे भी आज मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा गाइस। तो गाइस मैं ना नहा लिया था आपको पता है पुआ खाने से पहले ही, लेकिन अभी मैं जाऊँगा ना तो फिर मेरे को दोबारा भी नहाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है गाइस। तो नहा लेंगे, कौन सा पैसा जा रहा है गाइस और कौन सा बिजली का बिल जा रहा है गाइस, सब ऐसा ही तो है। गांव का तो आपको पता ही माहौल कैसा रहता है, सिटी का माहौल अलग है, पैसे बिजली का बिल दो ये बिल दो वो बिल दो, लेकिन यहाँ पर कोई बिल नहीं लगता, यहाँ पर सब नॉर्मल होता है गाइस। तो गाइस अब ना इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं यहीं पे, तो आई होप ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, और चलो नए आ रहे हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, सो गाइस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग।